How are you all? I hope you all well and welcome back to my channel. So guys, मैं एंड आलिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ था कि मैं जब रूम में आती है और बेड पे बैठ के होती है, कहती फाइनली मैं घर वापस आ गई और किसी ने देखा भी नहीं, शुक्र है यार मैं बच गई. तो फिर ऐसे कह के मतलब फिर उसका दिल करता है कि पानी पिए, देखते हैं तो रूम में पानी नहीं होती, तो बॉटल उठाती है, कहती है चलो पानी भर के आते हैं. तो जैसे ही मतलब रूम का गेट खोलती है, सामने देखती है कि सामने आदी खड़ा होता है, बड़े गुस्से में से घूर रहा होता है और कहते हैं कि कहाँ से आ रही हो तुम. तो माया की तो फुल ऑन बैंड बजाती है. मैं कहती क्या मतलब कहाँ से आ रही हो, रूम से आ रही हो और कहाँ से आ रही हो. आदि कहते नहीं जो मैं बोलूँ, मुझे पता था तुम घर नहीं थी, अब सच सच बताओ तुम कहाँ गई थी और कहाँ से आ रही हो. तो माया तो फुल ऑन मतलब उसकी तो सांस ही लेने में से मसला हो रहा था, बेचारी सोच रहे थे कि क्या झूठ बोलो. तो कहती तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, मैंने कहाँ जाने थे रात को, मैं तो अपने रूम से आ रही हूँ, सो रही थी मैं, देखा मेरी आंखों में कितनी नींद है, अभी उठी हूँ, मुझे प्यास लग रही थी तो मैं तो बस पानी पीने के लिए उठी हूँ. तो आदि मतलब उसे इतने गुस्से से देखते हैं ना, तो माया कहती है अब कुछ भी कहना फजूल है. तो माया जो होती है वो चुपचाप आगे जाने लगती है, तो आदि गुस्से में उसका हाथ पकड़ता है ज़ोर से खींचता है और कहता है सच से बताओ कहाँ गई थी, वरना मैं अभी जाके अंकल को बता दूँ कि तुम घर नहीं थी. तो माया की तो फुल बैंड बज जाती है, सोचती है कि यार अब मैं क्या करूँ, कैसे छुटकारा पाऊँ इसकी बातों से. तो कहती हाँ वो मैं गई थी, मैं आलिया के घर गई थी. तो आदि तो एकदम शॉक्ड हो जाता है, कहते क्या इतनी रात को तुम आलिया के घर क्यों गई थी, और वो भी ऐसे चोरी छुपे चोरों की तरह, इतना क्या ज़रूरी काम आ गया था तुम्हें जो तुम्हें सुबह तक का वेट नहीं हो सका. तो माया बेचारी बड़ी घबरा रही होती है, तो घबरा के बोलती है कि हाँ था ज़रूरी काम, अब हर बात तुम्हें थोड़ा ना बता सकते हैं, हम लड़कियों की भी तो कोई प्राइवेट बात होती है या नहीं होती. तो मतलब वैसे कह के ना वो किचन की तरफ बढ़ जाती है और किचन में जाके खड़ी हो जाती है, घबरा के कहती शुक्र है मैंने बात को हैंडल कर लिया, आज तो बहुत बुरा फंसे थे. तो ऐसे ही मतलब शुक्र मनाते हैं, शुक्र है आदि को टाल दिया मैंने. तो मतलब जब वो पानी की बॉटल फिलअप करके वापस किचन से बाहर आ रही थी, सामने आती फिर खड़ा होता है, गुस्से में से घूर रहा होता है. तो माया उसको देखती है कि तो अभी भी गुस्से में, और नज़र नीचे कर लेती है और मतलब रूम की तरफ बढ़ जाती है. तो आदि उसे पीछे से आवाज़ लगाता है, कहते रुको. तो माँ इतना घबरा जाती है, पीछे मुड़ती है, कहती अब क्या है. आदि कहते तुम मुझे सच से बताओ कि तुम वहाँ क्या करने गई थी, अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं अभी अंकल के पास जाऊँगा, उन्हें उठाऊँगा और उन्हें कहूँगा कि उनकी साहबजादी आधी रात को अपनी दोस्त के घर गई थी, वो भी ऐसी चोरों की तरह, तो फिर उन्हें बताना कि तुम क्या करने गई थी. तो माया थी वो शिट यार अब मैं क्या करूँ, तो मतलब वो तो कांपना स्टार्ट हो रही होती है ना, कहीं पापा को ना बता दे. तो मतलब चुप करके बस सोच रहे थे कि अब क्या बहाना बनाऊँ. तो आदि कहते हैं ठीक है नहीं बता रहा तुम, ठीक है मैं अंकल के पास ही जाता हूँ, वही तुमसे पूछेंगे. तो ऐसे कह के मतलब आगे बढ़ता. तो मैं कहती रुको बताती हूँ तुम्हें सब कुछ, तुम क्या धमकी दे रहे हो मुझे, बताती हूँ ना थी मेरे पास सॉलिड रीज़न, वरना मैं पागल हूँ जो आधी रात को ऐसे ही किसी के घर मुँह उठा के चल दूँगी. तो आदि फिर हाथ पे हाथ रख के खड़ा हो जाती है, क्या बताओ क्या है, क्या वजह थी, क्यों गई थी तुम आधी रात को. तो माया कहती हाँ तो वजह थी ना वो, हाँ वो कल सुबह हमारी एक टेस्ट था और हमें पता ही नहीं था, हमें पहले मैम ने कहा था कि परसों है, तो उन्होंने टाइम जो है वो कम कर दिया, तो कल था और मैं पहले पार्टी में थी इसलिए मुझे नहीं पता था, और आलिया तो सो गई थी तो मुझे जाना था, हर हाल में उसे जगाना था, उसे बताना था कि सुबह टेस्ट है, वो थोड़ी सी तैयारी कर ले वरना अंडा आ जाता हमारा. तो तुम क्या चाहते थे हम टेस्ट में फेल हो जाते, नहीं नहीं यही चाहते थे ना कि मैं 0 लेके घर आती और फिर पापा मेरी बेइज्जती करते, तुम खुशियाँ मनाते. तो आदि मतलब ऐसे पहले तो खड़ा रहता कुछ नहीं बोलता, तो माया कहती शुक्र है जान बच गई तो लाख हो पाए. तो ऐसे कह के आगे बढ़ती है. आदि कहते रुको अब तुमने उसको जाके उठाया कौन से, उसने बैठ के पढ़ लिया होगा, सो ही गई होगी ना, सुबह उठ के पढ़ना था ना उसने, तो तुम्हें इतनी क्या पड़ी थी कि तुमने सुबह तक का वेट नहीं हो सका, कॉमन सेंस है या नहीं, सुबह भी तो तुम जाके उसे उठा के उसे बता सकती थी. तो माया कहती ओ शिट यार ये तो पीछे ही पड़ गया. तो फिर कहती हाँ जा सकती थी, बट फिर वो गलत समझती ना, वो कहती कि मैंने जानबूझ के से नहीं बताया ताकि वो तैयारी ना कर सके, उसके गलत मार्क्स आ जाए मेरे अच्छे आ जाएँ. तो तुम क्या चाहते थे हम दोस्तों के बीच में लड़ाई हो जाए, यही चाहते थे तुम, हाँ हाँ तुम तो यही चाहोगे ना हमारी लड़ाई हो जाए और फिर वो तो मेरी दोस्त होगी नहीं, राज हो जाएगी, तो फिर मैं मजबूरन तुम्हारे साथ मुझे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा. वाह क्या प्लानिंग थी ना तुम्हारी. तो आदि बेचारे ऐसे कन्फ्यूज खड़ा होता कि क्या बकवास कर रही है. तो कहते तुम पागल हो कैसी बातें कर रही हो. तो माया कहती इस वक्त तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं कैसी बातें कर रही हूँ, तुम्हें क्या बताओ. तो आदि कन्फ्यूज खड़ा होता कि तुम कहना क्या जा रही हो एग्जैक्टली, कुछ समझाओ मुझे सही से. तो माया कहती मैं ये कहना चाह रही हूँ मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है, मुझे सुबह उठ के टेस्ट की तैयारी भी करनी है, सो गुड नाइट.
तो ये बोल के मतलब रूम में चल जाती है, रूम अंदर से लॉक कर लेते हैं और गहरी गहरी सांसें लेने लग जाती है और कहती यार ये तो पीछे ही पड़ जाता है, इतने सवाल कौन करता है यार, उफ यार मैंने इसको इतना साल कैसे झेला, अब तो सिर्फ 5 मिनट भी से झेलना मुश्किल हो गया था बाहर मेरे लिए ना। तो ऐसे सोचने लग जाती है और कहती है शुक्र है बच गई। तो मतलब ऐसे ये कि बेड पे बैठ जाती है, तो उसकी अभी भी मतलब उसको काफ़ी डर लग रहा होता है ना। तो इतनी देर में मतलब आलिया के मैसेजेस आने लग जाते हैं उसे कि जानू सो गई या जाग रही हो। तो मतलब वो फिर टाइप करती है ना कि जानू कैसे सोती आज तो मैं पकड़ी गई, तो मतलब बस इतना टाइप करती है तो फिर फ़ौरन से रिमूव कर देती है ना, कहती है अगर मैंने सब कह दिया कि मुझे आदि ने देख लिया था घर आते हुए तो ये तो बवाल मचा देगी, आज के बाद फिर हमारा रात को मिलना बंद हो जाएगा। तो ये सोच के मतलब उसे कुछ नहीं बताती, तो मैसेज लिखती है हाँ जानू बस सो ही रही थी बट क्या करूँ तुम्हारी यादें मेरे दिमाग से निकलेंगी तो सोऊंगी ना मैं। तो मतलब इस किस्म का कुछ मैसेज भेजती है ना। तो आलिया जब पढ़ती है तो हंसने लग जाती है, तो आगे से लिखती है कॉमन सेंस यूज़ करो ना, सोओगी तभी तो मैं तुम्हारे ख्वाबों में आऊँगी, तो जल्दी से सो जाओ, मैं अभी तो बस यही सोच के सो रही हूँ ना। तो माया फिर ऐसे मतलब स्माइली वाला इमोजीज उसे भेजती है और कहती गुड नाइट, और सामने मतलब ऐसे इमोजीज भेजती है ना माँ वाली, तो आलिया वैसे उम्मा वाली इमोजीज भेज देती है। तो उसके बाद जो है ये दोनों सो जाती हैं। तो माया मतलब रात को काफ़ी लेट सोई होती है और दिन में भी नहीं सोई होती, तो उसकी तो सुबह आँख ही नहीं खुलती, वो सोई रहती है। और आलिया सुबह हमेशा की तरह जल्दी उठ जाती है जॉगिंग के लिए तैयार श्यार होके ना, और मतलब फुल रेड शेड होकर ना नीचे नहीं आती, अपनी विंडो पे खड़ी हो जाती है ना माया का वेट करने के लिए कि कब ये उठेगी और कब हम बाहर जॉगिंग पे जाएंगे। तो मतलब उस दिन ना आलिया का मूड बहुत अच्छा होता है कि यार आज हम जॉगिंग पे जाएंगे, साथ में बातें शातें करेंगे, एक दूसरे का हाथ वगैरह पकड़ेंगे ना, तो बहुत एक्साइटेड होती है वो। तो माया तो उठ ही नहीं रही होती, तो फिर वो सोचती है कि क्या करूँ इसे उठाना चाहिए या नहीं। तो ऐसे कह के मतलब उसके ना मोबाइल पे मैसेजेस भेजती है 2-4, पर देखती है कि माया अभी भी नहीं उठी। फिर सोचती है कि चलो यार कोई नहीं मैं मतलब उसके घर चली जाती हूँ और उसे उठा देती हूँ, बट फिर सोचती है कि यार ऐसा करना ठीक नहीं होगा, मैं तो रात को सो गई थी, वो बेचारी तो सोई नहीं मेरे चक्कर में, रात को कितना लेट सोई थी, तो ऐसे करती हूँ कि उसे सोने देती हूँ। तो ऐसे कह के मतलब वो नीचे आ जाती है और उसकी मम्मा कहती हैं कि वाह आज तो बड़ी फ्रेश लग रही हो, खैर है। तो कहती हाँ मम्मा बस आपको क्या बताऊँ आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आज आप मेरा मूड स्पॉइल नहीं करेंगी और मैं आपको मौका भी नहीं दूंगी ना स्पॉइल करने का। तो उसकी माँ हंसी है कहती अच्छा जी तो मैं तुम्हारा मूड स्पॉइल करती हूँ। तो कहती ऑफ कोर्स मम्मा आप ही तो करती हो, छोटी छोटी बात पे डांटना शुरू कर देती, सुबह सुबह डांट लगा देती हूँ, क्या मेरा मूड जाना होता फिर अच्छा कहाँ रह सकता है ना अच्छा मूड। तो यार सुबह सुबह ना डांट कर, रात को जितना मर्जी डांट लिया करें, इट्स ओके मेरे पास अब इलाज है मेरे ना अच्छा मूड करने का रात को। तो उसकी बाप परेशान खड़ी होती है कि बेटी क्या बैकी बैकी बातें कर रही है। उसकी मम्मा कहती अच्छा जी ऐसे कौन सा तुम्हारे पास इलाज है जी, रात को मतलब जितनी मर्जी बेस्ती कर लो फिर भी सुकून की नींद आएंगी, मुझे बता दो। तो कहती वाह मम्मा आपको क्या जरूरत है, आपकी बेस्ती कौन कर सकता है, मैं तो छोटी हूँ कर नहीं सकती, और पापा की इतनी जरूरत नहीं है कि आपके सामने बोले। तो ऐसे कह के हंसने लग जाती। तो आलिया की मम्मा गुस्से से देखती है, कहती ये तरीका है ये तमीज़ है माँ बाप से बात करने का, ऐसे बात करते हैं। तो आलिया कहती ओहो मम्मा आप फिर से शुरू हो रही हैं, मैं एक काम करती हूँ मैं जॉगिंग पे ही चली जाती हूँ। तो ऐसे कह के मतलब भागती हूँ ना घर से बाहर निकल आती है। तो जैसे घर के बाहर आती है तो उसकी नज़र फिर से विंडो की तरफ पड़ती है और कहती यार कब उठोगी, कब तुम हमें अपने दीदार कराओगे, हम मासूम से बच्चे तरसते रह जाते तुम्हारी एक झलक देखने को ना। तो ऐसे कह के हंस रही होती है। इतनी देर में जो है जी काम ही आ जाता है और कहता है कि आज तो इतने दिनों बाद तुम जॉगिंग पे जा रही हो, खैर है लगता रात को तुम्हारी नींद सही से पूरी हुई। तो आलिया हंसती है कहती हाँ ना सही से पूरी, इसलिए तो इतनी जल्दी जल्दी सुबह उठ गई। तो उसकी मामा कहते अच्छा जॉगिंग पे जा रही हो तो यहाँ क्यों रुकी हुई हो, जाओ फिर। कहती मामू आप इतने सुस्त हैं, आप जॉगिंग नहीं कर सकते, आप मुझे समझ नहीं आती आप इतने फिट कैसे हैं, आप तो जॉगिंग भी नहीं करते, तो क्या राज है फिटनेस का। तो उसके मामू हंसते हैं कहते बस राज बहुत हैं, लेकिन तुम्हें क्यों बताऊँ मैं, अपने राज ज़ाया करने हैं मैंने तुम्हें बता के, और तुम कौन से आजकल मेरे साथ अपने राज शेयर करती हो जो मैं करूँ। तो आलिया हंसती है कहती अच्छा जी कोई जेलिस हो रहा है। तो उसके मामू कहते नहीं कोई जेलिस नहीं हो रहा है, हाँ वैसे मैं भी सोच रहा था आज तुम्हारे साथ जॉगिंग पर चलूँ। तो आलिया कहती नहीं की और पूछ पूछ चलो आज मामा भांजी साथ में चलते हैं। तो वो दोनों मतलब हंसते हुए और बातें करते हुए जॉगिंग पर जाते हैं। तो अब जी काम ही होता है मतलब वो काफ़ी कोशिश कर रहा होता है ना कि बातों बातों में ना आलिया से ना पूछ ले रिमशा के बारे में कुछ कि कैसी है आजकल या क्या सीन चल रहा है उसका, घर क्यों नहीं आ रही। तो मतलब उसके दिलो दिमाग में ना ऐसी बातें चल रही होती हैं। तो आलिया से ऐसी बातें कर रहा होता है और कहते हैं कि तुम्हारी फ्रेंड्स कैसी हैं आजकल घर नहीं आती। तो हंसने लग जाती है कहती मामू मेरी फ्रेंड्स तो आती हैं,
अमाया तो रोज़ मेरे घर आती है। तो उसकी मामा कहते ओहो तुम्हारी ये सिर्फ एक ही फ्रेंड है, मेरा मतलब तुम्हारी और भी तो फ्रेंड्स हैं ना जो पहले अक्सर घर आती थी अब नहीं आती, क्या तबीयत वबीयत तो ठीक है ना उनकी। तो आलिया हंसती है कहती वैसे आपने जिसका नाम मतलब आपके दिल में है ज़ुबान पे ला दो, पूछ लो डायरेक्ट ही क्या हो जाएगा। तो उसको मामा गुस्से से देखते हैं कहते क्या मतलब क्या कहना चाह रही हो, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ नॉर्मली पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी फ्रेंड्स तो हर टाइम जब भी देखो घर पड़ी रहती थी तो अब क्यों नहीं आ रही वो। नहीं आ रही मैं तो खुश हूँ, आती हैं तो तुम लोग कितना हल्ला गुल्ला करते हो ना, घर में सुकून है। तो आलिया हंसी कहती अच्छा जिस तरह से आप पूछ रहे हैं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप चाहते हैं कि वो रोज़ मेरे घर आए। तो मतलब काफ़ी एम्बेरसिंग फील होती है ना कि भाई बच्ची समझ रही है। तो उससे कहते बच्ची हो तो बच्ची की तरफ बातें किया करो। तो मतलब गुस्से से ना आगे चला जाता है जॉगिंग करते हुए ना, तेज़ स्पीड कर लेते अपने। तो आलिया हंसने लग जाती है, आलिया कहती मामू भी ना अपनी फीलिंग्स को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पता नहीं इनका क्या होगा, वहाँ पे रिमशे नहीं करेगी, यहाँ पे मामू नहीं करेंगे, इनका कुछ नहीं होने वाला। तो खैर फिर वो कहती है इनका छोड़ो पहले तो मैं अपना सोचूं मेरा क्या होगा यार, मेरी जाना तो उठ ही नहीं रही, क्या ATM की गोलियाँ खा के सही है क्या। तो मतलब ऐसे कह के हंस रही होती है। तो फिर मोबाइल निकालती है कहती अच्छा एक मैसेज करके देखती हूँ शायद जा गई हो। वो ऐसे क्या के मतलब जी वो करती है जी अमाया को मैसेजेस 2 से 3। जब उसको मैसेजेस करती है और आगे से कोई रिप्लाई नहीं आता तो आलिया का मूड जो होता है काफ़ी सैड हो जाता है। तो मतलब पास ही में बेंच पड़ा होता है वहाँ पे जाके बैठ जाती है। तो जो होता है जी कामी वो राउंड लगा के वापस आता है, देखता है कि आलिया बेंच पे बैठी है और मतलब ऐसे हाथों में हाथ रख के और काफ़ी मतलब कंफ्यूज सी और परेशान सी बैठी है। तो इसके पास आके बैठ जाता है और कहता है कि ना मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी बात का तुमने कुछ ज़्यादा ही बुरा मान लिया, तो सॉरी, और मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरी बात का बुरा मानोगे, हम तो फ्रेंड्स की तरह थे, हर बातें शेयर करते थे और मजाक मस्ती तो करते ही थे, तो अब क्या हो गया। आलिया कहती अरे नहीं मामू आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपकी बातों से नाराज़ हूँ, नहीं मैं कुछ और सोच रही थी। तो उसकी मामू कहती अच्छा क्या सोच रहे हो मुझे बताओ। बिल्कुल सोचते हैं वैसे भी तुम इस अपने छोटे से दिमाग में ना ज़्यादा जोर मत डाला करो। तो आलिया कहती मामू यार हद होती है, मैं मुझे बात ही नहीं करनी, मैं जा रही हूँ घर। तो ऐसे कह के मतलब घर की तरफ बढ़ जाती है। तो उसके मामू पीछे से भाग रहे होते हैं उसके पीछे, कहते अच्छा बात तो सुनो बताओ क्या हुआ है, तो मुझे आजकल तुम्हारी समझ नहीं आती, तुम्हारे मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा हैं यार, अभी 2 मिनट पहले तुम इतनी खुश थी, बहुत ज़्यादा रौनक थी तुम्हारे फेस पर, अब एकदम से सैड, क्या चक्कर है। तो वो कहती मामू कोई चक्कर नहीं है, मैं बस ना चाह रही हूँ कि जल्दी जल्दी से ना घर चली जाऊँ, तो इसलिए चलो जल्दी जल्दी भागते हुए घर जाते हैं। तो उसकी मामू कहती घर में ऐसा क्या है जो तुमने भाग के घर जाना है, क्या वही माँ से जाके बातें सुननी है तुमने और क्या करना है। ये कहती यार मामू कभी कभी मम्मा की बातें भी ना अच्छी लगती हैं, तो जल्दी जल्दी चलो मुझे जल्द से घर पहुँचना है। तो उसके मामू कहते ठीक है यार चलो भागते भागते फिर घर जाते हैं। तो दोनों मतलब जॉगिंग करते हुए जी आ जाते हैं घर। तो आलिया मतलब जैसे घर पहुँचती है अपने घर के दरवाजे पे तो फ़ौरन देखती है पीछे माया की विंडो की तरफ और मतलब वहाँ पे अभी भी लाइट जो है ऑफ होती है। तो कहती यार ये अभी तक नहीं उठी इतना लेट, तो मतलब परेशान हो जाती है ना। तो उसके मामू जो है घर के अंदर चल जाते हैं बट आलिया वहीं पर रुक जाती है। तो कहती उस दिन भी ऐसे ही हुआ था, लाइट नहीं चली थी और मुझे लगा था माया सो रही है बट उसकी तबीयत ख़राब हुई थी, आज भी वही सीन तो नहीं है कोई। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ना परेशान हो जाती है, तो उससे रहा ही नहीं जा रहा होता, फिर वो सोचती है कि जाके चेक कर ही लेती हूँ। तो मतलब उसके घर के बाहर जाती है और कहती यार अब तो मेरा दिल करे कि माया से ना एक चाबी ले लूँ इनके घर की, हर बार दीवार छलांग भी मारती रहूँगी क्या, हर बार बंदर बनूँ मैं, अब बैल दूँगी तो उसके बाबा उठ जाएंगे, अच्छा नहीं लगता, तो अब मैं क्या करूँ यार दीवार फलाऊँ। तो मतलब ऐसे सोच रही होती है ना वहीं पे। तो ऐसे ही मतलब वो फिर बेल पे हाथ रख दिया, कहती है अच्छा ट्राई करती हूँ बेल हल्की सी बजाऊँगी, अगर कोई आया तो ठीक है वरना छलांग लगा के चले जाऊँगी। तो वो ऐसे हल्की सी अभी बेल रखी ही होती है कि फ़ौरन से दरवाज़ा खुल जाता है, कहती क्या ऐसे लगता है कोई दरवाजे के बाहर ही खड़ा था कि मैं बेल बजाऊँ और दरवाज़ा खुल जाए। तो बड़ी एक्साइटेड होती है ना कि शायद अब माया है, जानबूझ के लाइट्स ऑफ थी कि मुझे ऐसे शो और मैं यहाँ हूँ और मुझे सरप्राइज़ करे, तो बड़ी खुश हो जाती है। तो जैसे दरवाज़ा खुलता है तो आलिया एकदम शॉक्ड हो जाती है, बिकॉज सामने आदि खड़ा होता है, तो उसको देख के तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। तो आदि कहती कि तुम यहाँ, तो वो कहती हाँ मैं यहाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे तो लगा तुम सो रहे होगे। वो कहते हैं वही तो मैं तो जाग गया लेकिन अमाया अभी तक नहीं जागी, उसका तो आज टेस्ट था उसे तो सुबह पढ़ना था, तो अब तक सो क्यों रही है। तो आलिया एकदम से ना कन्फ्यूज कि कौन सा टेस्ट कौन सी पढ़ाई क्या बात कर रहा है। तो वो कहते कि ना मैं अभी यही सोच रहा था वो उठ क्यों नहीं रही, मैं यही चेक करने आया था कि तुम सो रही हो या तुम भी
पढ़ाई करियो। तो वो कहती पढ़ाई क्यों करनी थी। तो आदि एकदम से ऐसे परेशान के, मतलब इनका तो टेस्ट था ना, तो वो कहता कि तुम्हारा टेस्ट नहीं था, वही तो तुम्हें रात को बताने आई थी माया, आधी रात को चोरों की तरह तुम्हारे घर में घुसी थी। तो आलिया परेशान कहती कि क्या इसने देख लिया था माया को आते हुए। तो वो तो बिल्कुल मतलब शॉक्ड हो जाती है। तो कहती हाँ टेस्ट, वही तो मैं चेक करने आई थी कि माया उठी है नहीं, क्योंकि मुझे लगता है वो अभी तक उठी नहीं, इससे ज़रा नहीं है, इसका ज़ीरो आ जाएगा तो फिर ये रोएगी बच्चों की तरह। वो सो रही है ना, मैं अभी से उठा के आती हूँ। तो वो ऐसे कह के ना मतलब जल्दी से घबराते हुए माया के रूम की तरफ बढ़ती है। अंदर से तो मतलब आज माया लॉक करके सोई होती है, तो बाहर खड़ी होती है, नोक कर रही होती है, कह रही होती है कि माया दरवाज़ा खोलो यार मैं हूँ। बट माया बड़ी गहरी नींद में सोई होती है, उसे आवाज़ ही नहीं जाती। माया फिर ज़ोर ज़ोर से ना नोक करती है, मतलब वो अंदर से उसे घबराहट हो रही होती है, बिकॉज़ पहले ही उसके दिल में वहम पड़ चुका होता है कि यार माया मेरे से दूर हो जाएगी। फिर जब वो गेट नहीं खोल रही होती तो उसको लगता है कि यार शायद उसकी ना तबीयत शबीयत कहीं ख़राब ना हो गई हो। तो वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजा रही थी कि माया माया दरवाज़ा खोलो। तो मतलब इतनी ज़ोर से हो जाती है कि माया फाइनली उठ जाती है और आँखें मिसलती मिसलती आगे दरवाज़ा खोलती है और कहती कौन है यार, सोने भी नहीं देते। मतलब आँखें उसकी अभी भी बंद होती है। तो जैसे ही आलिया देखती है कि माया ने दरवाज़ा खोल लिया, तो फ़ौरन से मतलब उसे ज़ोर से हक कर लेती है। तो माया मतलब ऐसे कन्फ्यूज खड़ी होती है कि क्या हो गया। तो ऐसे आंखें खोलती है और देखती है कि आलिया उसने हक किया। तो वो फिर आगे से आलिया को हक कर लेती है, तो आलिया मतलब उसको रूम के अंदर कर लेती है, अंदर से रूम कर लेती है जी लोग, और फिर मतलब उसकी क्लास लेती है अच्छी खासी। तो तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें ज़रा मेरी परवाह नहीं है, तुम ज़रा नहीं सोचती, तुम फ़ोन बंद कर देती हो, फ़ोन नहीं उठाती, रूम अंदर से लॉक करके जो सो जाती हो, इतना लेट कौन सोता है यार, तुम्हें मेरी ज़रा परवाह नहीं है। तो माया कहती है यार ब्रेक लगा लो, एक सांस में बोली क्या हो गया यार, क्या 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 है, सो ही रही थी ना मैं, क्या मर पड़ गई थी मैम। तो आलिया को तो और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, कहती तुम्हें यार मैंने कितनी बार बोला है ये मरने वाले की बात है, मेरे सामने तो मत ही किया करो तुम। तो माया कहती यार सॉरी सो गई थी, नई नींद पूरी हुई थी मेरी, क्या हो गया। तो आलिया इतना गुस्सा होती है, कहती तुम तो आजकल मेरे से कुछ शेयर नहीं करती, तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि आदि इन्हें तुम्हें रात को पकड़ लिया था, और तुमने आदि को फिर हमारे टेस्ट का बहाना बनाया, उसने मुझे रास्ते में पकड़ लिया, टेस्ट के बारे में पूछ रहा था, तो यार मुझे ख्वाब आ गया था कि तुमने उसे ऐसे झूठ बोला, मैं खड़ी के कौन सा टेस्ट कौन सी पढ़ाई, यार तुम अब से ना खबरदार तुम रात को मेरे घर आई या मैं तुम्हारे घर कभी भी नहीं आऊँगी, तुम जितनी मर्जी मिनटें कर लो। शुक्र है तुमने उसे कोई ना कोई बहाना बना के तुमने उसे टाल दिया, वरना वो समझ आता तो हमारा क्या होता, कुछ सोचती हो तुम करने से पहले, मैंने बोला भी था तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन नहीं तुम्हें तो कुछ सुननी नहीं होती ना। तो मैं ऐसे खड़ी होती है कहती यार क्या हो गया, और उसने देख भी लिया तो क्या हो गया यार, मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया था ना। आलिया कहती हाँ देख रहा है मुझे, जितना तुमने हैंडल कर लिया था, खबरदार आज के बाद तुमने ऐसी कोई हरकत की। तो माया ऐसे खड़ी होती है और मतलब फिर ना ऐसे उसको देखते देखते ना बेड पे जाके बैठ जाती है। तो आलिया कहती मैं यहाँ गुस्से से पागल हो रही हूँ, मैं तुम पे चीख रही हूँ और तुम्हें बैठना याद आ रहा है यहाँ पे, बड़ी थकी हुई हो तुम, हाँ तुम्हें तो रेस्ट की ज़रूरत है। तो वो ऐसे कन्फ्यूज बैठी होती है, कुछ भी नहीं बोल रही होती ना आगे से। डाले कहती मैं पागल हूँ यहाँ पे, बोली जा रही हूँ और तुम आगे से कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दे रही। तो मतलब आलिया ऐसे बोली जा रही होती है। तो माया मतलब अब कंट्रोल नहीं होता उसे, वो जल्दी से उठती है, उसके मुँह पे हाथ लगा रखती है और उसको फुल दीवार के साथ लगा लेती है। तो आलिया को गुस्सा आता है, ऐसे हाथ ऊपर करती है छुड़ाने के लिए, तो माया दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़ लेती है, दीवार के साथ लगा लेती है और कहती चुप अब मेरी भी सुनोगी, अपनी सुनाती रहोगी। तो वो आलिया मतलब कोशिश कर रही होती है ना कि मुँह से हाथ हट जाए, वो इसको और बातें सुनाए। तो माया खैर इतना टाइटली उसका हाथ पकड़ दिया ना कि वो छुड़वा नहीं पाती। तो काफ़ी देर आलिया कोशिश करती रहती है, बट फिर बहुत ट्राई करना छोड़ देती है, समझ जाती है कि यार ट्राई करना फजूल है, इसने मेरा हाथ तो छोड़ना नहीं। तो माया कहती है यार क्या हो गया यार, सो भी नहीं सकता बंदा, और किसने तुम्हें कहा मेरी इतनी ज़्यादा फिक्र किया करो, मैंने तुम्हें बोला है इतनी फजूल, तुम टेंशन लेती हो ना यार, अपना बीपी तो हाई करोगी तो मेरा भी बीपी हाई करोगी किसी दिन ऐसे फजूल बातें कर करके। तो आलिया मतलब बिल्कुल चुप कर जाती है, उनकी कोशिश भी नहीं कर रही होती जो पहले कर रही होती। तो माया फिर उसके मुंह से हाथ हटाती है और कहती खबरदार एक लफ्ज़ तुमने और बोला था। तो आलिया मतलब वहीं पर चुप कुछ नहीं बोलती। तो माया कहती यार तुम आई हो मेरे घर, ये नहीं कोई हग हो, कोई किस हो, कोई प्यार मोहब्बत की बातें हो, सीधा लड़ाई यार, कैसी गर्लफ्रेंड हो तुम मेरी, मुझे चाहिए नहीं तुम्हारे जैसे गर्लफ्रेंड, ठीक है अलग हो जाते हैं। तो ऐसे कह के ना मतलब दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। तो आलिया इतना गुस्से में फिर से उसका हाथ पकड़ती है, गुस्से से उसे अपनी तरफ खींच कर कहती क्या मतलब अलग हो जाते हैं, कोई बात हो ना हो तुम्हें अलग की पड़ी होती है, बड़ी तुम तंग आई हो ना मेरे से, हर बात पर अलग हो जाते हैं अलग हो जाते हैं।
माया मतलब ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। तो वो अलग थी, अब तुम्हें हंसी आ रही है, एक तो जब मैं तुम्हें डांटा करूँ ना तुमने हंसना नहीं है मेरे सामने। तो मैं कहती यार और क्या करूँ, मतलब मेरे बस मजाक से मैंने कहा क्या अलग हो जाता है, और तुम्हारा फेस का जो रिएक्शन था वो यार इतना, एक बार फिर से वैसे मुँह बना के दिखाओ ना। तो वो अलग थी, मैं तुम्हारा गला ना दबा दूँ, तुम्हें यह मजाक की पड़ी हुई है, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है और तुम्हें यह मजाक सूझ रहा है। तो मतलब माया ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है। तो आलिया उसका यूँ हाथ पकड़ती है ना, तो अम्माया और आलिया मतलब दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं। तो जो अम्माया होती है उसके करीब आ रही होती है, बट आलिया को गुस्सा आया होता है तो उसका हाथ छोड़ के और दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। तो माया कहती अच्छा कोई नाराज़ है हमसे, आलिया कहती नाराज़ नहीं, बहुत 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 ज़्यादा नाराज़ है कोई तुमसे। तो मतलब माया की तरफ देख भी नहीं रही होती, तो माया उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। तो आलिया फिर दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। तो मैं कहती अच्छा कोई हमसे इतना नाराज़ है कि हमारी तरफ देखना भी गवारा नहीं है उसको। तो आलिया कहती नहीं नहीं देखेगा, तुम्हारी तरफ कोई भी नहीं देखेगा। तो मैं कहती अच्छा जी तो लकी शेर तुम अभी मेरी तरफ देखोगी। आलिया कहती नहीं देखूँगी नहीं देखूँगी बस नहीं देखूँगी। तो मैं कहती ठीक है फिर चैलेंज दे रही हो ना मुझे, अब तो मैं तुम्हें देखना कैसे तुम अभी पलटोगी। तो मतलब आलिया फुल जिद पे होती है कि यार जो मर्जी कर लो मैंने नहीं पलटना अब तुम्हारी तरफ। सो गाइस अब देखना ये है कि माया आलिया को मना पाएगी या नहीं। और यार आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो यार वीडियो को कर लें लाइक, और इस वीडियो का जो मतलब आपको पार्ट या कोई डायलॉग जो भी अच्छा लगे आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।